है वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी इम्प्रूव मिलेगी और ओवरऑल जो है ना क्या कहते हैं ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को, फ़र्क महसूस हो भी रहा है नहीं हो रहा ये भी मुझे बताएगा। और हमने जो ये आ गया, दो हो गए, तीसरा अंडा भी था मैंने देखा था वो पड़ा हुआ, एक और अंडा करता था। अभी आप देखो कितने सारे एरिया को कवर कर रहा है ये, यानी कि काफ़ी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो फ्रंट कैमरा था ना पहले वाले मोबाइल का वो अच्छा रिकॉर्ड करता था, बहुत ज़्यादा वाइड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, बेसिकली अगेन हमारे फार्म की एक अपडेट होगी। और सबसे पहले बात भाई, रमज़ान सबको मुबारक हो, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और रमज़ानों में आपका भाई कंटेंट थोड़ा कम पोस्ट करें, कोशिश करूँगा पूरी की करता रहूँ, लेकिन जैसे बातें रोज़े होंगे तो कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं तो वो आपने एडजस्ट करनी है हमारी। और उसके अलावा अगर आपको बताएं तो अब प्लान क्या क्या चीज़ें, एक चीज़ बता दें भाई कि आपके भाई ने आज बेसिकली आप लोगों की खातिर, यकीन करें सिर्फ आप लोगों की खातिर कैमरा क्वालिटी अपग्रेड कर ली है और अच्छा खासा बड़ा खर्चा हो गया है मोबाइल के ऊपर। यानी कि पहले भी वीडियो सही चल रही थी, मुनासिब चल रही थी, पर मसला सारा क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि यार क्या कहते हैं धूप में वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी मुझे। उसके अलावा वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी होती थी, उसके साथ साथ रात में वीडियो बहुत ख़तरनाक हो जाती थी, अजीब सी गंदी सी होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए हमने थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर लिया कि अब जो है ना वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी इम्प्रूव मिलेगी और ओवरऑल जो है ना क्या कहते हैं ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को, फ़र्क महसूस हो भी रहा है नहीं हो रहा ये भी मुझे बताएगा। और हमने जो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है, क्योंकि यार सीधी सी बात है जब इतने लोग देख रहे हैं ना तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो मैं कॉन्टेंट बनाऊँ ना वो बहुत ज़्यादा लो एफर्ट तो था ही था, लेकिन एटलीस्ट जो विजुअल्स है ना उसके विजुअल्स हैं या ऑडियो क्वालिटी है उसको बेटर होना चाहिए। अगर वो बेटर होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अदरवाइज़ ये है कि एक टाइम के बाद जो है ना सबको बुरा लगने लग जाता है। और सच्ची वाला बताऊँ ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार ये क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और मुझे सबने कहा भी ये कि यार जैसा चल रहा है चलाने दो, अभी कंटेंट पे वैसे लगा लो अगर लगाना है तो। मैं एक काम करते हैं भाई, दोनों पे लगाते हैं अल्लाह का नाम लेके और देखी जाएगी जो भी होगा। लेकिन अब आपके भाई ने अच्छा खासा बड़ा खर्चा कर लिया है अल्लाह मालिक है सोच के, तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो अब भाई अब जल्दी जल्दी से करना क्या है, पहले तो डालते हैं इनको फीड और इनके एग्स कलेक्ट कर लेते हैं। एग्स कितने आए हुए इनके पास, एग्स मैंने काउंट नहीं करे, एक दफ़ा देखें एग्स कितने आए हुए हैं। हाँ, इस केज के अंदर तकरीबन तीन से चार के करीब अंडे पड़े हुए, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ भाई। इस कैमरे में आपको अंधेरे में अंडे दिखेंगे, उसमें नहीं दिखते थे, इसमें दिखेंगे आपको, एक दो तीन पड़े में और हाँ तीन पड़े में इस केज के अंदर, ठीक है। इसके साथ वाले केज में देखते हैं, इसमें देखते हैं कितने पड़े हुए, इसमें कितने पड़े हुए हैं, इसमें 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 यार वो सामने मुर्गी के नीचे हैं और मुर्गी चढ़ के बैठी हुई है। एक काम करते हैं ना, इन सब के एग्स कलेक्ट करके किसी एक केज में रखते हैं और उसके बाद इनके आपको अपडेट देते हैं, सही है। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं इनके एग्स उठाना शुरू कर देता हूँ। लास्ट टाइम एक भाई ने पूछा था कि भाई अंडे निकालते कैसे इन केजिस में से, तो आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने एक डंडी रखी हुई है सड़ी हुई और इसके थ्रू डाला इसको अंदर और एक एक करके इसको खींच लिया। हटो, हम अंडे खींच रहे हैं, अरे हटो, ये एक आ गया, दो हो गए, तीसरा अंडा भी था मैंने देखा था वो पड़ा हुआ, एक और अंडा तीन अंडे हो गए। तो इस तरीके से तो ना हर केज के अंडे निकाल के कलेक्ट कर लेता हूँ और उसका फ़ायदा मुझे क्या होता है कि आराम से जो है ना एक साफ़ सुथरे मिल जाते हैं। कुछ दिनों में मैंने छोड़ दिए थे यहाँ पे तो अंडे गंदे हो गए थे, तो इस वजह से कुछ मसाइल रहेंगे। और उसके बाद अब मैंने सोचा कि जब तक अंडे आ रहे हैं मैं अंडों को उठा उठा के ये देख रहे हैं किस तरह मारते हैं एक दूसरे को, ये इतना मुझे तंग करते हैं ना कि यकीन करें मैं इनकी यखनी बना के पी जाता हूँ फिर गुस्से में आके। एक दूसरे को मारते रहते हैं यार, पूरा का पूरा खा जाते हैं, सर फाड़ देते हैं, इतनी तकलीफ दे मारते हैं बेचारों को ये। तो तीन अंडे निकाले, बाकी सारे केजेस के अंडे निकाल के आपको बताते हैं आज की प्रोडक्शन क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं मेरे पास, उस हिसाब से आपको आगे कहानी देंगे, ठीक है। एग्स कलेक्ट कर लिए हैं और तकरीबन 15 के करीब अंडे हैं मेरे हिसाब से ये, और मुर्गियाँ जो है ना हमारे पास टोटल 20 हैं। तो कुछ मुर्गियाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने सेल आउट करनी है, और सेल आउट किनको करनी थी, वो करनी थी बेसिकली जिन जिनको करनी है ना उनके पैसे आए हुए मेरे पास और वो अपनी मुर्गियाँ लेके नहीं जा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। मैं उनको कहता हूँ यार उठा ले वरना हम इनकी मुर्गियाँ खा जाएंगे, और एक तो हमारे बेहतरीन दोस्त की हैं तो इनकी भी मुर्गियाँ हम खाने का फैसला कर रहे हैं। तो अब जो है एग्स कलेक्ट कर लिए इनके सारे के सारे एग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, अब डालते हैं इनको एक एक करके फीड और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है। अच्छा यार, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे
बल्कि कहे तो सिर्फ दो ही बंदे रहे थे, एक हमारे अदनान खान साहब हैं और उसके साथ एक बंदा और है कि भाई उसका क्या बना, क्या नाम है वो जो हमने वो करना था गिव अवे करना था, तो उसका यार ये बना है कि वो गिव अवे इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, आजकल में ही हो जाएगा। और उसी के लिए मैंने मस्जिद एंट्रीज भी रोक दी हैं। अब मैं किसी को नहीं कहता कि डन कमेंट करो, क्योंकि बस बहुत सारी हो गई ना, तो आज की वीडियो पे अगर कर देता तो चले हम उनको रिलीफ दे देंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वरना ओवरऑल मैंने कहना छोड़ दिया है, क्योंकि इनफ एंट्रीज हो चुकी हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम सोचते हैं कि गिव अवे किस तरीके से होगा, क्योंकि अब बस फाइनल करना रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो गिव अवे करते हैं और उसके बाद कहानी सुनाएंगे आपको बाद में क्या चल रही है। जी तो लेयर को तो डाल दिए फीड, लेकिन इनको क्यों डाल, इनको भी तो डालनी है ना, ये तो हमारी रोटी रोजी है। और माशाल्लाह से देख रहे हो इनकी हेल्थ यार, ये इनके तो ना बड़े ही नहीं हुए बेचारे, उसकी अब अच्छे खासे हो गए। उसकी वजह ये है कि इन पे तो ना थोड़ा सा हम जुल्म कर रहे हैं, इनको फीड वगैरह हम कम देते हैं, लेकिन क्योंकि यार रमज़ान है ना, रमज़ान में माल थोड़ा स्लो ग्रो करना ही मुनासिब है, ज़्यादा जल्दी माल ग्रो हो गया ना तो उसको सेल कहाँ पर करेंगे, तो मुनासिब मुनासिब चलेंगे टुकुर टुकुर टुकुर। और एक बहुत देना बेहतरीन किस्म का प्लान मेरे माइंड में आया है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है, कुछ पैसे तो ना शॉर्ट हो रहे हैं उसके लिए, तो हम फाइनल करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन सरप्राइज होगा, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी वो। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं, जब तक हम इनको फीड भी डाल देते, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा, और फाइनली मैं आपको ये बात कब से कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो है ना वो फाइनल हो नहीं पा रही थी, तो जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होंगी तो हमने कहा कैसे करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह डन हो गई है जहाँ पे हमने फार्मिंग करनी है थोड़े बड़े स्केल के ऊपर, तो अगर कोई एज अ पार्टनर भी आना चाहे ना तो वो आ सकता है। और सिचुएशन क्या है आपको ज़रा समझा देते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि एक छत है हमारे यहाँ से पास ही, तो उसके ऊपर हम लोग फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, रेंट बड़ा मुनासिब है उस जगह का, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेंगी वैसे वैसे जो है ना हम इन सारी चीज़ों को करते जाएंगे काम। पहले फीड डाल दूँ उसके बाद आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। हाँ जी भाई फीड डल गए ना, बात कर सकते हैं। तो भाई प्लान कुछ इस तरीके का, अभी मैंने कहा डिस्क्लोज नहीं करना था, पर मैं कह चलो बात सुन गई तो दिखा देते हैं बता देते हैं कि प्लान कुछ इस तरीके का है कि 3 सेक्शन में हम लोग वहाँ पर फार्मिंग करने वाले हैं। एक तरफ करेंगे गोल्डन मिश्री, एक तरफ करेंगे हमारी ये वाइट वाली लेयर क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और एक तरफ करेंगे गोट फार्मिंग। ये सारी चीज़ें हम एक ही छत के ऊपर करेंगे, कुछ 250 गज की छत है, और ये प्रोजेक्ट जो है ना ओवरऑल वो अच्छा खासा बड़ा बन जाएगा। मेरे हिसाब से 8-9 मिलियन तक की कॉस्ट आ जानी है प्रोजेक्ट के अंदर हमें रन करने के लिए। तो चीज़ें भी फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बता दूं कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो एज अ पार्टनर, नॉट इन्वेस्टर के तौर पे, बेसिकली फिजिकल पार्टनर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिकल पार्टनर का रीज़न सारा ये है कि यार चिक चिक बहुत होती है, और हो सकता है ना भी हो, लेकिन पता है क्या हमें पता है ना, हम खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बंदे हो जाएंगे ना तो मसला बन जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैंने आपको हाउ नो दे दी है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जब आप कोई बड़ा काम करो तो मुझे ज़रूर मेंशन करना, और कमाल की बात है मेरे पास किसी एक का भी नंबर सेव नहीं है। मैंने कहा जब वीडियो हम पोस्ट करेंगे, जब हमारा प्लान होगा करने का, तो सबको वीडियो देख के वैसे ही पता लग जाएगा। तो ये भी एक प्लान है आगे का, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होने वाला है, और आप देखेंगे कि विद इन 1-2 मंथ्स एक बहुत ख़तरनाक किस्म का, इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट किस्म का, अल्लाह ने चाहा तो हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बेहतरी होगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, हाँ देखा रमज़ान की बताते, तो अगर कोई इंटरेस्टेड वो कांटेक्ट कर सकता है, अपडेट इंशाल्लाह ताला हम उसको देते रहेंगे ऐसा ऐसा करके। अभी रैबिट की अपडेट देखते हैं, रैबिट की क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ जी तो भाई रैबिट की सिचुएशन है कि जैसे ही हम रैबिट्स के पास आए, ये सारे के सारे जो है ना वहाँ पे घुस गए, तो इनको बाहर निकालने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो है क्या चीज़, वो है इनका फेवरेट खाना लूसन। यार क्या खूबसूरत क्वालिटी आ रही है वीडियो में, यकीन करें इतनी परफेक्ट क्वालिटी, रात में तो ना आपका भाई तरस गया था ऐसी क्वालिटी के लिए, लेकिन खैर अल्लाह खैर करे। आप तो भाई ये आ गए हमारे रैबिट्स और ये इनका खाना। अजा उस्ताद बाहर आ जाओ, यार आ ही नहीं रहे भाई, लगता है इन्होंने तो ना खाना खा लिया है पेट भर के, अब नहीं आएंगे ये भाई। एक घूम रहा हमारा वहाँ पे छुपके से, वो हमारे पीछे से निकला गायब हो गया, और आ गए आ गए आ गए आ गए, देखा बाहर आ गए फ़ौरन आ गए। खाने के टाइम पे तो इतना ही, इनको जितना खिला लो माशाल्लाह से ही खाते रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी इनको खाना खिला दो। और इनकी रूटीन यार कुछ इस तरीके से होती है कि दिन में ये पड़े हुए सोते रहते हैं इधर उधर, रात में ये फुल चार्ज होते हैं, इतने चार्ज होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी इनके पास जाऊंगा, ये अपने बिल में ना घुस जाए, इससे पहले मैं इनको पकड़ लेता हूं। देखो सब जा रहे हैं, तुमने नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, इसको देखा भाई ये सब घुस गए। इतना प्यारा हमने इनके लिए घर बनाया, गंदा गंदा सा लग रहा है आपको देखने में क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, लेकिन सब के सब अपने छोटे से बिल के अंदर घुस गए, और यहाँ पर ये सेफ
कर रहे हैं, लेकिन एक इनमें ऐसा है जो बाहर है और वो ये है। तो मैं कौन बचाएगा कालिया, इधर आओ। देखा भाई बहुत स्पीड से जाते हैं ये, मैं ज़रा इसको पकड़ के लाता हूँ। भाई अब आ गए हैं अपने दोबारा से प्यारे से चूज़ों के पास। और यार एक चीज़ मैंने नोट करी है, इसका कैमरा बहुत ज़्यादा वाइड है। हम पहले रिकॉर्ड करते थे ना तो बहुत छोटे पीस को वो कवर करता था, अभी आप देखो कितने सारे एरिए को कवर कर रहा है ये। यानी कि काफ़ी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो फ्रंट कैमरा था ना पहले वाले मोबाइल का, वो अच्छा रिकॉर्ड करता था, बहुत ज़्यादा वाइड। लेकिन उसका इशू क्या था, उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन थी। लेकिन भाई थोड़ा सा खर्चा करने का तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा कर दिया ये भाई, अच्छा खासा बेहतरीन करके जिसे कहते हैं ना रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें से इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें हमने सेल आउट कर देनी है और कुछ चीज़ें हम रखेंगे एज़ यूजुअल, जैसे आप लोगों को पता है। और यार यहाँ पे कुछ लोग मुझे कह रहे थे चीज़ें लाने का, पर मसला सारा ये है कि ज़रूरत नहीं है, ये जगह ऐसी है ना कि यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ें पाल नहीं सकते। हमने चूज़ा बेचना होता है तो सफाई जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा है। खैर बातें बाद में करते हैं, पहले इनको भी पानी वानी रखते हैं और उसके बाद जो है ना फिर आपको ज़रा आगे की अपडेट अपडेट देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही सी थी क्योंकि कुछ मसरूफियात आ गई थी जिसके फ़ौरन बाद तो मुझे निकलना पड़ गया, क्योंकि आपको उन्होंने बताया ना कि रमज़ान शुरू हो गया तो उस हिसाब से बहुत सारे काम थे। तो अब ये है कि दाना पानी जब तक हम डालते हैं आपको दिखा भी देते हैं और थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाता है। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ साथ कोई अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का एक डिटेल कोर्स है 2500 रुपीज़ जिसकी फ़ीस है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी हुई, साथ साथ हमारी उसमें कंसल्टेशन इंक्लूड है कि अगर आपको शौक है, यानी कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में हमारी कंसल्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमें फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए हैं और मेरी एजुकेशन भी जिस तरह आप लोगों को पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ही है और कराची यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई चाहे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो व्हाट्सअप के ऊपर नंबर कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक्चुअल फीस हमारे कोर्स की 4000 रुपये थी, पर अभी डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपीज़ है। तो जो भी लेना चाहे वो कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह ताला वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगेन मैं कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि किस तरीके से लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताएगा। बाकी जो हमारा बड़ा वाला प्लान है ना, उसकी अपडेट मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक आध दिन के अंदर दूंगा। आज कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको कल या परसों की वीडियो में मिल जाएंगे। लेने चाहते हो, चले अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।